हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज हम इंटरसेप्ट डायरी के जो खंड 8 है इसको कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से आपको इसको भरना है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं खंड 8, और इसका नाम है सहपाठी अवलोकन। यानी कि यहाँ पर आपको सहपाठी अवलोकन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखनी है, और साथ में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको उसमें यूज करना है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट दिए रह गए हैं, तो इन पॉइंटों की हेल्प से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बतानी है। यानी कि इसके अंदर अध्यापक का व्यक्तित्व किस तरीके का है, कक्षा प्रबंधन किस तरीके का है, अध्यापन की तैयारी, शिक्षण कौशल, इन सभी चीज़ों को आपको यूज करते हुए सहपाठी अवलोकन के बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इन सभी चीज़ों का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो सहपाठी अवलोकन, तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि जो छात्र अध्यापिका है कविता चौहान का, मेरे द्वारा अध्यापन के समय अवलोकन किया गया, यानी कि एक टीचर के द्वारा यहाँ पर किया गया था। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि छात्र अध्यापक की जो वाणी है, वेशभूषा है, स्वस्थ, सामाजिक निर्माण की योग्यता थी उनके अंदर। पॉइंट 3 में हमने लिखा है कि सहपाठी छात्र अध्यापक का आत्मविश्वास दृढ़ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है सहपाठी का जो अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण है वो छात्र के विकास में सहायक है। छात्र अध्यापिका में अनुशासन, समय का सदुपयोग और कक्षा प्रबंधन अच्छा है। इसी तरीके से 6 पॉइंट क्रम में लिखा है कि उसमें अध्यापन की तैयारी हेतु विषय वस्तु का ज्ञान व पाठ योजना का निर्माण करने की उत्तम कला है। छात्र अध्यापिका को विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का ज्ञान है। सहपाठी छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों की सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंटों का यूज करते हुए टोटल 8 पॉइंट इसके बारे में हमने लिखे हैं, जो कि सहपाठी अवलोकन के लिए पर्याप्त हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको इसी तरीके से इनको लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।